है, मतलब मैंने नहीं मंगाया है, मेरे हस्बैंड ने मंगाया है। सुबह गाइस, गुड मॉर्निंग। और रात हम लोग ना गर्मी में बहुत परेशान रहे गाइस, हमें ना नींद नहीं आई थी। 3 बजे सोई हूँ गाइस, रात ना लाइट भाग गई थी और लाइट नहीं आ रही थी, इसीलिए तो हम लोग आज लेट उठे हैं। और 7 बजने वाले हैं अभी, और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू पोछा। पीने का पानी भर लिया है हमने, और आज ना हम बाहर सोए थे, बाहर वाली छत पे, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। रात में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ये घड़ी रुक गई थी ना, तो इसने सेल डाल दिया, तो देखो कितनी मगन हो रही है, खुश हो रही है। सफाई तो कर दो इसकी, सफाई नहीं कर रही, सो रही है। देखो इधर, और हस्बैंड चला रहे हैं बाहर क्लब, इसलिए मैं ज़्यादा तेज से बात भी नहीं कर सकती। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मेरी जो बेटी है ना यशवी, वो बना रही है मेरी वीडियो। तो मैंने ही बोला था उसको कि कैमरे लेके मेरी वीडियो शूट कर ले, क्योंकि मैं बना नहीं पा रही हूँ, 2-3 दिन से अच्छे से कैमरा नहीं लगा पाती हूँ इसीलिए। और हस्बैंड की चल रही थी अभी मॉर्निंग में क्लासेज जो चलती है हमारी, वो अभी तुम्हें झाड़ू मारते हो कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है झाड़ू मारते हुए? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और घर में जरूर झाड़ू लगाएंगे, देख लो हमारी मम्मी जी को बहुत अच्छा लगता है घर में झाड़ू लगा के। आप लोग भी लगा, कभी कभी इनकी ड्यूटी होती है मॉर्निंग के क्लब में, तो आज हस्बैंड की ड्यूटी है क्लब में, तो ये क्लब को रन कर रहे हैं, रिजल्ट शेयर करवा रहे हैं। होस्ट हैं आज क्लब में, तो यहाँ पे रिजल्ट शेयर करवा रहे थे। तो पहले सुनीता मैम ने किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया, और जिन्होंने भी परिणाम लिए हैं वो यहाँ पे शेयर करते हैं, मतलब जो वेट लॉस करने वाले होते हैं या वेट गेन करने वाले। एंड उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, तो सबसे पहले मैं कमरे को अच्छे से सेट कर दूँगी। यहाँ पे ऐसा होता है ना, जो कपड़े मैंने कल धुले थे वो भी पड़े थे सारे बक्से पे, और जो हस्बैंड आके निकालते हैं वो भी बक्से पे रख देते हैं। और यहीं पर मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि हस्बैंड के ना सारे कपड़े ऐसे ही रखे थे, तो मैंने रात को ही सारी शर्ट की तह बना के यानी फोल्ड करके रख दिए थे, लेकिन प्रेस नहीं की थी, सारे कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी वो ऑफिस जाएंगे, तो उनके लिए एक शर्ट पे मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। और हमारे लड्डू भी उठ गए हैं सो के एकदम मस्ती से, और पानी पी लेते हैं सुबह उठ के। एक गिलास पानी इनको दिया जाता है, और एक एक गिलास पानी हम लोग सभी पीते हैं सुबह उठ के। और लड्डू को राधे राधे कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट में राधे ज़रूर लिख दीजिएगा मेरे क्यूटी के लिए। तो गाइस, मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने पूजा भी कर ली है, और लाइट जा चुकी है गाइस, अंधेरा हो रहा है पूरे घर में, लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उधर ही था कबर्ड में, कौन से जिसमें शेक है, बच्चे आ गए थे स्कूल से, नहा धो रहे हैं दोनों बच्चे मेरे, और हस्बैंड भी आ गए हैं, मेरा एक पार्सल आया है वही निकाल के देख रहे हैं क्या मंगाया है मेरे पति देव ने मेरे लिए। अरे कैसा कपड़ा, कलर तो मुझे अच्छा लग गया, वीडियो में कितना अच्छा लग गया। 900 रुपये का तो महंगा आया इसी पापा ही, 300-400 रुपये का तो सही है, 900 रुपये का तो बहुत महंगा है। तो ये जो फ्रॉक है ये मैंने पहन लिया है, और हस्बैंड ने मेरे लिए ही ऑर्डर किया था, यानी फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने मंगाया है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, इसकी ना आस्तीन नहीं है इसमें, ये बिना आस्तीन का है, और मतलब अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, और बिल्कुल फिट आया है, बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, बहुत मस्त लग रहा था। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गर्मी के हिसाब से तो ठीक है, और जॉर्जेट का है इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस, मेरा गाउन कैसा लग रहा है ये कमेंट में।
अभी सुखा कर ले। तो हम लोग अभी घूमने जाएंगे, तो यशवी किट्टू तैयार हो रही है और हम जाएंगे पार्क पे घूमने के लिए। बच्चों को बहुत टाइम से लेके नहीं गई हूँ, तो आज लेके जाएंगे। हस्बैंड भी घर पे ही हैं और मैं भी, तो आज मुहर्रम है ना, इसीलिए आज हस्बैंड घर पे हैं, उनकी छुट्टी है, ऑफिस नहीं गए थे वो, कहीं और गए थे है ना, तो वहाँ से आ गए हैं। सही तो है। तो मैं भी चेंज करूंगी क्योंकि मैं ये फ्रॉक पहन के बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ऊपर से खुला है और अभी मुझे ऐसे कपड़े बाहर पहन के निकलने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे लड्डू और यश भी कर रहे थे प्लानिंग जाने की। तो ये जो फ्रॉक है ये मैंने मंगाया है, मतलब मैंने नहीं मंगाया है, मेरे हस्बैंड ने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। थैंक यू बाबू। इन्होंने मंगा कर दिया ये फ्रॉग, ये मेरा फ्रॉग, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देख तुम ही लेके जाऊंगा, मैं कह रहा ना कहीं नहीं ले जाऊंगा। डोसा खाने चल रहा है, चलो। तो मैंने चेंज कर लिया है, हम निकल रहे हैं बाहर घूमने के लिए और बच्चे हस्बैंड पहुंच गए हैं नीचे। मैं यहाँ पे लॉक लगा के बस निकल ही रही थी और हमें 3 मंजिल से सीधा नीचे जाना पड़ता है। सामने अंकल जी बैठे हुए हैं अपनी डॉगी के साथ, अपनी डॉगी को बहुत प्यार करते हैं वो। तो मैं अपनी स्कूटी से जाऊँगी, हस्बैंड अपनी गाड़ी से जाएंगे। प्रकाश नगर चलाए पे जाओगे, और किधर जाओगे? चलो हटाओ आगे को। और ये उधर को ही रास्ता जाता है जिधर हमारा ऑफिस है। तो सामने ही पार्क है, बुद्धा पार्क। यहाँ पे तो मतलब स्ट्रीट फूड का मेला ही लगता है, आइसक्रीम, चाउमीन, मोमोज, कबाब, बेस कबाब और कोई भी जूसेस और फूल फल जो भी आपको खाना है वो सारा यहाँ पे आके ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं और घूम भी सकते हैं। अंदर बहुत अच्छा पार्क है और बाहर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मेला सा लगा हुआ है, आइसक्रीम सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और कहाँ कहाँ से आप लोग ब्लॉग देखते हैं। ब्लॉग पे आप लोग नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।